हेलो भाई, हम निकल रहे हैं अभी रूम से। हमने सारा सामान मैंने पैक वैक कर लिया है, बैग में डाल लिया है खाली। अभी खीर गंगा के लिए निकल रहा हूँ और दिखाता हूँ क्या क्या सीन है आगे। ये अपना होटल है, धूप निकल गई है भाई। धूप निकलने के बाद देखो भाई साहब, एक नंबर व्यू दिखता है भाई यहाँ से, एक नंबर मस्त होटल है। यहाँ से पूरा दिखता है ये नदी, हर चीज कंप्लीट दिखती है। सूरज निकल चुका है भाई, अभी टाइम हो गया है 10:13। तो अभी भाई निकलता हूँ खीर गंगा के लिए। वहाँ का ट्रैक काफ़ी लंबा है, पहले तो 1.5 घंटा तो बाइक पे ही रास्ता है, उसके बाद ट्रैक है। तो अभी निकलते हैं, आपको दिखाता हूँ सब। तब तक बने रहिए ब्लॉग के साथ, और यदि भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो दबा के। भाई अभी हम आ गए हैं पार्किंग में और अभी अपनी बाइक उठाएंगे और खीर गंगा की तरफ निकलते हैं। यहाँ से ये व्यू दिखता है भाई, बहुत एक नंबर का मज़ा है भाई। वो कहते हैं ना बहुत बढ़िया व्यू। अभी थोड़े दिन बाद फिर बर्फ़ गिर जाएगी, फिर देखते हैं यहाँ का, बनाते हैं प्रोग्राम। ये यहाँ पे अपनी खड़ी है बाइक, ये रहा बंटी। और अभी निकलते हैं भाई बाइक को लेके, मिलता हूँ भाई खीर गंगा के ट्रैक पे। सब्सक्राइबर सबसे पहले आप ये बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। बताओ भाई बंटी कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अभी निकलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि खीर गंगा में क्या है, ट्रैक करते हैं वहाँ का, ट्रैक का मजा लीजिए। तब तक बने रहिए, हम पार्किंग से निकल रहे हैं, अभी सीधे जाएंगे खीर गंगा ट्रैक। ये करके दिखाओ, यहाँ से जाओ, कैसे जाओगे। किधर जाना सर बंटी? अभी भाई यहाँ से जाएंगे सीधा, रास्ता कर दिया हमने सेट। यहाँ से 12 किलोमीटर है, तो 12 किलोमीटर का ट्रैक। ओ तेरी, ये बहुत खड़ा रास्ता है भाई। ये करके देखा हम तो चढ़ गए हैं। पुलिस चौकी मणिकरण। तो भाई अभी मणिकरण से निकल रहे हैं, यहाँ का ये व्यू भाई क्या सीन है। सूरज निकलने के बाद तो एक अलग ही तुम सफर मेरा सुहाना लगता है। जय भोलेनाथ की भाई, करिए बेड़ा पार बाबा। बहुत खतरनाक रास्ते, टक 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 गाड़ी आ गई, गाड़ी आ गई। हट जाओ, अभी भाई सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही है, धूप बेशक निकली है पर बिल्कुल बर्फ जैसी हवा है। अगर ना बर्फ बर्फ गिर रही है, ये लगा ले। अब
भी बर्फ जैसी हवा है भाई यहाँ, तो बर्फ गिरेगी तब तो फिर तो क्या क्या ही कहने, फिर तो लेवल ही बदल जाएगा। ये ग्लेशियर दिख रहा है भाई यहाँ से, देखो भाई सामने ग्लेशियर दिख रहा है, बर्फ का पहाड़ चमक रहा है बिल्कुल धूप निकलते ही। ग्लेशियर दिख रहे हो आंटी, ये है भाई यहाँ का व्यू। ये भाई ने गाड़ी कहाँ खड़ी कर रखी है, यहाँ से घूम घूम के जाना है पहाड़ों में भाई, मजा आ गया। धूप और ठंडी हवा क्या कहने, चलो चलो सफर सफर, क्या सफर है भाई, पहाड़ों का, पहाड़ों का सफर भाई, कच्चे कहने के लिए शब्द नहीं होते मतलब क्या ही, एक अलग ही लेवल का होता भाई वो तो, मजा फील यहीं आके फील होगा यार। ग्लेशियर दिख रहा है भाई, बट हम ग्लेशियर के पास जाएंगे अभी, ग्लेशियर के पास नहीं जाएंगे लेकिन हम लोग, देखो भाई सामने ऊपर ग्लेशियर दिख रहा है, हाँ अभी 3,500 फीट और ऊपर जाएंगे हम, वहाँ और ठंड है, हाँ वहाँ से और ग्लेशियर बिल्कुल दिखने लग जाते हैं, ग्लेशियर के ऊपर नहीं जाएंगे बट वहाँ से ग्लेशियर बिल्कुल क्लियर दिखता है। देखो भाई यहाँ से दिखने लग गया, मतलब ऊपर जाते जाएंगे पहाड़ बहुत खतरनाक सुंदर पहाड़ होते जाएंगे। यहाँ इतना भीड़ा रोड है भाई, एकदम से कुछ भी आ जाता है, समझ नहीं आ रहा किधर जाऊँ। और भी यहाँ से ये नज़ारा, अरे अरे पानी आ गया, पानी पानी पूरा बर्फ, ग्लेशियर दिखने लग गए यहाँ, अभी इतनी ठंडी हवा चलती। अगले महीने बर्फ गिरनी स्टार्ट हो जाएगी शायद बंटिया ना, हाँ अगले महीने ये लगा ले भाई, 1-1.5 महीने में बर्फ स्टार्ट हो जाएगी यहाँ, तो फिर कभी बर्फ के बर्फ में भी आगे बनाएंगे हम लोग, वो अपना मजा यार। अभी ये हरियाली दिख रही ना तो तब हरियाली नहीं दिखेगी, तब तो बस ऐसा दिखेगा वाइट पहाड़, सब वाइट हो जाएंगे फिर, सब वाइट पहाड़ बराबर, देखो अभी यहाँ वाइट दिख रहा है तो सारे वाइट हो जाएंगे फिर, ये हरियाली ख़त्म, तो हर चीज़ का अपना मजा है भाई। अभी हम पहुँचने वाले हैं खीर गंगा नहीं, वहाँ क्या था बेटे, बरसैनी, अभी भाई बरसैनी पहुंचने वाले हैं, बरसैनी रेस्क्यू 400 मीटर और यहां से 13 किलोमीटर शायद 13-14-15 पता नहीं कितने किलोमीटर का ट्रैक है पैदल, तो फिर वहां चढ़ेंगे फिर आपको दिखाता हूं। अभी ये देखो नज़ारा पर, अभी बाइक खड़ी करते हैं पार्किंग में और फिर निकलेंगे भाई खीर गंगा के ट्रैक की तरफ। भाई क्या ही बात है, इतनी ऊपर आने का मतलब यही सुकून है भाई, 600-700 किलोमीटर तब ऊपर आते हैं ना, ये लग रहा 300-250 किलोमीटर होगा बट ये ऊपर नीचे जमीन से ना, ये पहाड़ जहाँ भी हमें 200-250 किलोमीटर ऊपर है भाई जमीन से तो मतलब इतनी ऊपर आने के बाद भाई ये चीज़ तो मिलेगी मिलेगी इतना तो मतलब तो 12-13 हज़ार फिट ऊपर आ चुके हैं भाई अब जमीन से, क्योंकि हम लोग भी चढ़ने वाले हैं 10,000 फिट, मतलब अभी हम लोग 7,000 फिट,
और जो है हम पहुंच चुके हैं बंटी, अब यहाँ खड़ी कहाँ करें भाई? यहाँ पे डैम पूछना पड़ेगा यहाँ पे, कोई डैम डैम के रहते थे अभी तो लोग आ रहे हैं आगे से, आगे ही होगा फिर, पब्लिक आ रही है भाई, किससे पूछे, खड़ी तो है गाड़ी, खड़ी होनी स्टार्ट हो गई यहाँ पे। इनसे पूछेगा भाई, पूछिए बंटी, तो अभी भाई पूछते हैं कहाँ बाइक खड़ी होगी, फिर कैसे जाना जाना। ट्रैकिंग स्टार्ट होती है यहाँ से, तो बाइक खड़ी करके तो अभी ट्रैकिंग करते हैं स्टार्ट, फिर हम दिखाता हूँ, पहले कुछ खाते हैं, भूख लग गई है भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया, 10 बज चुके हैं, तो अभी पहले कुछ खा के फिर यहाँ पे कहाँ पागल है क्या लेफ्ट में? कहाँ से जाना, कहाँ से फिर जाना? उधर है आगे, लेकिन सामान यहाँ से उठाना है और खाना भी नहीं, यहाँ खा लेंगे ना फिर ये रहा। हाँ, सामान उठा के हमें आगे बढ़ना, निकल लो भाई, चलेगा क्या? ठीक है, कौन सी हेलमेट नहीं है? क्यों? अब हेलमेट तो ये तो पंगा है, अरे वो चाहिए था यार, कहाँ हेलमेट रखेगा?